अब मर्चेंट नेवी के बारे में सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि हाई सैलरीड जॉब है भैया। अब क्या करे कोई, रोटी कपड़ा मकान इंसान की तीन बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, पर इन तीनों के लिए भी पैसे लगते हैं। तो जाहिर सी बात है अब जिस फील्ड में जा रहे हैं उसमें ये तो जानना चाहेंगे ना कि आप कमा कितना सकते हैं। आखिर हर किसी को अपने सपनों का घर जो बनाना है। वेलकम बैक टू मरीन मंत्रा व्लॉग्स। तो बात यह है कि हमने ये टॉपिक जो आपने पढ़ा अभी अभी ये इसलिए चुना है कि ये टॉपिक एक तो सबसे ज्यादा डिमांड में था, ऊपर से हमने जो प्रॉमिस किया था कि इतने इतने दिनों पे वीडियो डालेंगे डाल नहीं पाए, तो सोचे कि चलो भैया ये वीडियो बनाए कवर करते, इतने लोगों ने पूछा है, इतने दिनों से पूछा है यानी कि हमारी सैलरी क्या है, लगभग लगभग हम कितना कमाते हैं। काफी लोग हमारे हाउस का टूर भी पूछ रहे थे, जबकि मेरा घर अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, मतलब घर है तो बनने में तो काफी टाइम लगता है, पर फिर भी जितना हो गया उतना टूर तो आपको दे ही सकते हैं। तो इस वीडियो में दोनों चीजें आपको दिखाएंगे, पर उससे पहले आपको ये बता दे भैया कि पिछले वीडियोस क्यों नहीं आ पाए हैं, सॉरी फॉर दैट। हुआ ये कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गया मेरे क्लोज फ्रेंड के घर पे, जिसके कारण मुझे अर्जेंटली कुछ दिनों के लिए कोलकाता जाना पड़ा और हम अपने शेड्यूल पे वीडियोस नहीं डाल पाए। ठीक है, तो अभी फिर से कंटिन्यू करेंगे और वीडियोस शेड्यूल पे डालने की कोशिश करेंगे। चलो तो ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो सैलरी पे बाद में आते हैं, पहले हम आपको जो घर हमारा जितना भी बना है वो हाउस टूर दे देते हैं। ठीक है, वैसे तो आपने शुरू के सिनेमेटिक शॉट में देख लिया, पर फिर भी ऐसा कुछ बाहर से दिखता है इसलिए मैंने फ़ोन के अल्ट्रावाइड से लिया था, क्योंकि इसमें पूरा दिखेगा नहीं पर आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये पिलर लंबा छोड़ा है लुक के लिए, अच्छा लग रहा है। ये हो गया गेट और लूसी, और ये लूसी और आपको ये भी कह रहे भैया कि लूसी से मिलवाएंगे, तो ये है लुसिया। लूसी मतलब लूसी है, अब बिहारी है तो लुसिया हो गई ना लूसी। तो ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड है भैया, बहुत ज्यादा ब्लैक है और खूबसूरत भी है। और ये पार्किंग स्पेस हो गया भैया, गाड़ी हमारी वही पुरानी वाली है, अभी तक वैगन आर चेंज करेंगे, टाइम आएगा तो 8-9 साल हो गया इसका, तो जब तक चल रहा है चल रहा है, अभी ऑलरेडी खर्च बहुत है। और ये हमारी बाइक है जिससे हम घूमते रहते हैं, आपने कुछ रील्स में अगर देखा होगा तो मेट्रो 350 अभी 650 आने के बाद मन तो कर रहा है कि भैया 650 लेना चाहिए था, पर एनीवेज एंट्रेंस अंदर घुसिए भैया है गेस्ट रूम जिसका लाइट वाइट अभी ऑफ है तो आपको सही से समझ में नहीं आ रहा होगा, लाइट वाइट ऑफ पड़ी हुई है इसकी, तो ये छोड़ दो आप। इस तरफ है गेस्ट वॉशरूम, हॉल, अपना टीवी, होम थिएटर ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक। किचन एरिया, इंजीनियर साहब हेलो गाइस, डाल देंगे पक्का ब्लॉग में। ये एक बेडरूम, मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, ये हो गया इधर पूजा के लिए रूम, भगवान के लिए मस्त। तो ये जो सबसे जरूरी चीज लगती है बालकनी, और ये है बड़ा सा बालकनी जिसमें बाद में डालेंगे झूला वाला, और इधर लॉन्ड्री एरिया है को फिर से दिखाएं, तो ये फिर से अगेन एक रूम है गेस्ट रूम जैसा ही, एंड इसमें अटैच ही वॉशरूम है, बस ये रेडी नहीं है और ना ही इसमें ज़्यादा काम धाम कराया, हो सकता है ये स्टूडियो बन जाए फ्यूचर में। और इधर भी लाइट जला देते हैं पहले, हाँ जी। तो ये इधर का अटैच वॉशरूम, सिंक, नल, सफिशेंट लाइट्स है यहाँ पे, लूसी के प्लेट में खाना नहीं है बेसिकली। ये फ्लोर अभी लूसी को डेडिकेटेड है, तो ये कुछ ऐसा इधर दीवार है और बाकी सारे लाइट्स जले हुए हैं अभी। ये इधर किचन एरिया हो जाएगा, ये अपना फ्लोर है बेसिकली, और ये मास्टर बेडरूम इसमें का, ये लूसी का बेड, और ये एक और बेडरूम। तो भैया जी आते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट यानी कि हमारी सैलरी पे। अब इतने लोग सैलरी क्यों पूछते हैं,
मतलब हर किसी को जानना क्यों सैलरी 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 सैलरी, स्पेशली मर्चेंट नेवी की जब बात आती है ना तो लोगों के दिमाग में एक ही कंसिडरेशन रह जाता है सैलरी, जो कि गलत है। हालांकि लोगों का सैलरी पूछना इतना गलत भी नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इंसान की 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। पर असल में इससे कहीं ज़्यादा है, और इन सारी चीज़ों के लिए लगती है सिर्फ एक चीज़, और वो क्या है? पैसा। तो हर कोई पैसे कमाने के पीछे भाग रहा है, तो जानना भी चाहेगा कि भाई अगर हम इस फील्ड में जाते हैं तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, जायज़ है। अब मर्चेंट नेवी की सैलरी के बारे में आपको पहली चीज़ तो ये बता दें कि आपके जो भी छोटे बड़े शौक है ना, छोटी छोटी चीज़ें और अपने सपने देखे ना, वो तो पक्का पूरे होने वाले हैं। जैसे कि आपको गुच्ची अरमानी टॉमी ये सब पहनना है, अलग अलग जगहों पे घूमना है, और ये सारी चीज़ें अगर करनी है ना, ये तो पूरा होने वाला है। घर बनाना है यंग एज पे, एक अच्छी सैलरी चाहिए यंग एज पे, ये सभी पूरा होने वाला है। पर आपके पास ना सेविंग ज़्यादा टिकेगी नहीं काफ़ी एज तक, क्योंकि इसमें भी आपको प्रमोट होने में, सीनियर रैंक्स तक पहुंचने में टाइम लगता है, काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं। तो सिर्फ सैलरी के फैक्टर को कंसिडर करके तो बिल्कुल भी इस फील्ड में बताना, बाकी आपको ये फील्ड कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकता है अगर आपको ये देखना है तो हमारे चैनल पर एक वीडियो है हु एम आई, जो कि इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आएगा, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए बहुत कहानी घुमा ली, घर दिखा दिया आपको, थोड़े से प्रोज एंड कॉन्स बता दिया, अब आपको सैलरी बताते हैं। तो देखो यार, आप अलग अलग तरीके से इस फील्ड में एंट्री करते हो, अगर रेटिंग से आ रहे हो तो एक सैलरी, तो चलो वो हम कभी लाइव में डिस्कस कर लेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाते हैं। पर अगर आप DNS, BSc या BTech कर रहे हो, यानी कि डेक साइड या इंजन साइड में ऑफिसर में आ रहे हो, तो आपकी सैलरी क्या होगी आपको बताते हैं। थर्ड ऑफिसर रैंक में कैडेटशिप का तो आप छोड़ दो, आपको एक स्टाइपेंड मिलता है $500-800, मे बी $1000 तक जाएगा मैक्सिमम, तो वो आप छोड़ दो, वो खर्चे आपके एग्जाम में होने वाले हैं। थर्ड ऑफिसर और सेकंड ऑफिसर में जो आपकी सैलरी होगी, यानी कि एक लाइसेंस पे सेकंड मेट लाइसेंस पे, तो थर्ड ऑफिसर में कहीं ना कहीं आप $3,000-3,500 के आसपास कमाओगे, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा इससे हो सकता है, बेस्ट कि आपकी कंपनी अगर ओनरशिप है तो। एंड अगर आप सेकंड ऑफिसर में हो, यानी कि सेकंड ऑफिसर में प्रमोट हो चुके हो, तो आपकी सैलरी $4,000-5,000 में जाएगी, मतलब इस रेंज में, तो आपकी सैलरी $4,000-5,000 के रेंज में जाएगी। लेकिन अगर फिर ओनरशिप है तो आपके $5,000 प्लस भी हो सकती है, बस वहाँ पे प्रमोशन थोड़ा सा स्लो होने के चांसेस हैं। और कोशिश आपने ये करनी है कि इस टाइम में ना आप जितना भी अपने जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना, घर वर XYZ, ये सब पूरे कर लो, क्योंकि इसके बाद आपकी चीफ मेट और कैप्टन की जो सैलरी होने वाली है, लेकिन इंजन साइड से सेकंड इंजीनियर और चीफ इंजीनियर की सैलरी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होती है, तो यहाँ पे आपकी जो है असली कमाई होने वाली, ये पहुँचते पहुँचते टाइम लगेगा। जैसे कि मेरा नेक्स्ट रैंक है चीफ ऑफिसर, तो अभी मैं हूँ सेकंड ऑफिसर, आपको बता दी सेकंड ऑफिसर की सैलरी क्या होती है, तो बस इसी बीच में है हमारी कुछ सैलरी, तो एग्जैक्ट बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओ। चीफ ऑफिसर में सैलरी जो है $8,000-11,000-12,000 तक जाती है टैंकर्स पे, और यहाँ पे ड्राई शिप्स पे थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी कि $7,000 के आसपास 8,000-9,000 तक जा सकती है। अगेन मास्टर में 12,000-13,000 पे जाके ड्राई का ख़त्म होने को आता है, मतलब ड्राई शिप्स की सैलरी ख़त्म होने को आती है, और वहीं से 12,000-15,000 का अप्रॉक्सीमेटली एक रेंज है मास्टर का ऑन केमिकल एंड प्रोडक्ट टैंकर्स। गैस टैंकर्स पे अगेन 15,000 से भी ज़्यादा है। तो ये हमने आपको दे दिया एक ओवरव्यू सैलरी का, और बाकी आपको जो भी डाउट है आप ऑब्वियसली कमेंट में बता सकते हो। अभी हमने डेडिकेटेड एक शिपिंग से रिलेटेड चैनल बनाया है रील्स का इंस्टाग्राम पे, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है और मैं अभी नीचे भी डाल दे रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, लाइव में जुड़ो, इनबॉक्स करो मेरे को, जो भी जानकारी चाहिए बिंदास पूछो, मैं मोस्टली रिप्लाई कर देता हूँ जल्दी ही। तो बस भैया यही थी आज की कहानी, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अलविदा।